जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और एनपीसीआईएल की जनरल साइंस की हमारी सेकेंड क्लास हो चुकी है। ये हमारी थर्ड क्लास रहेगी, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका साइंस कवर हो जाए, तो हम रोज़ आपके लिए डेली ऐसी क्लासेज लेके आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो भी नई रिक्रूटमेंट आती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से आए, चाहे अप्रेंटिस बेस पे आए, जिस भी बेस पे आए, हम आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आदि भी लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पूरा साइंस मैं आपका कवर करा दूंगा। आगे हम वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए लगभग 3000 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। और इसमें आपका फिजिक्स आ जाएगा, इसके साथ में केमिस्ट्री आ जाएगी और इसके साथ में बायोलॉजी आ जाएगी। तीनों के मिला के क्वेश्चन है। और इससे क्या होगा आपका कि जैसे अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे, अगर हम ऑनलाइनर टाइप में डिस्कस करें तो। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए, बल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सेम आपका क्वेश्चन का लेवल है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को लास्ट तक पूरा देखिएगा। 15 से 20 मिनट की एक एक क्लास होती है, ज़्यादा क्लासेस नहीं होती है ज़्यादा समय की। अगर आपने डेली 15 से 20 मिनट दे दिया तो आपका साइंस लगभग पूरा हो ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें पूछा गया है कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु के वेग के परिणाम को बदल देती है क्या कहलाती है। तो देखिए, ऐसी कौन सी भौतिक राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो वस्तु के परिमाण को ही बदल देती है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बल। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो इसके परिमाप को बदल देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है आपसे कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल बदल सकता है। अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं तो वह क्या क्या बदल सकता है। तो देखिए, वह दिशा भी बदल सकता है, इसी के साथ साथ आकार भी बदल सकता है, गति भी बदल सकता है। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला बल आपका डायरेक्शन, शेप, स्पीड सब कुछ बदल सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया आपसे कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने सुना होगा कि रॉकेट जो है वो मोमेंटम, मतलब कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 किलोग्राम वजन के बराबर होता है। देखिए, अगर हम बात करें कंटेंट की, तो आपको कंटेंट ज़बरदस्त मिलने वाला है। मतलब आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों की आपके लिए क्लास भी लेकर आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 किलोग्राम वजन के बराबर होता है। अब इसमें बोला है न्यूटन में बताना है आपको। देखिए, 1 किलोग्राम जो होता है यह होता है आपका 9.8 न्यूटन के। कितने? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है आपसे, और यह भी न्यूटन की गति से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जड़ता शरीर का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप ही नहीं बदल सकता। क्या नहीं बदल सकता वह? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी एक समान गति की स्थिति नहीं बदल सकता। ठीक है, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है आपका ग्रेविटी से, और इसमें पूछा गया आपके कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके एनपीसीआईएल और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, अगर हम गति के तीसरे नियम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो परिमाण होता है वह क्या होता है, समान दिशा में होता है या विपरीत दिशा में होता है। तो यह होता है हमेशा विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कि हमेशा अलग अलग निकायों पर और विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम इस पीडीएफ की, तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि न्यूटन के नियम से है। न्यूटन के नियम क्या है? तो देखिए, यह जो है न्यूटन के नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम है, इसी के साथ साथ द्रव्यमान और त्वरण का उत्पाद भी न्यूटन के नियम से संबंधित है। अगला ऑप्शन है आपका किसी अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में
किसी परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति है, तो यह भी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस या उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, संवेग के सिद्धांत पे तो रॉकेट कार्य करता है, मोस्टली एग्जांपल आपको यही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फायरिंग के बाद बंदूक पीछे हटती है, तो यह भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और जो नली पाइप का मामला होता है, मतलब कि द केस ऑफ द हाउस पाइप, यह भी जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा आपका। इसमें क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु की जड़ता वस्तु की उसकी कारण बनती है, उसकी किसके कारण बनती है, क्या गति बढ़ाने के कारण, या गति कम करने के कारण, या गति की स्थिति में किसी भी बदलाव का विरोध करने के कारण, या घर्षण के कारण कम करने के कारण। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या कि गति की स्थिति में किसी भी बदलाव का विरोध करने के कारण जो है जड़त्व का कारण बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है आपसे कि संतुलित बलों के परिमाप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, ऑप्शन है यह लगातार बदलता रहता है, ऑप्शन बी है यह शून्य रहता है, ऑप्शन सी यह शून्य नहीं है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात की जाए अगर संतुलित बलों की, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह शून्य है, क्या हो जाएगा, इट इज जीरो, संतुलित बलों का परिणाम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है सभी मौलिक बलों में से सबसे कमजोर ताकतें हैं। तो सभी मौलिक बलों में से सबसे कमजोर ताकतें की बात की जाए, तो ऑप्शन है यहाँ पे विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और परमाणु बल। अब यहाँ पर मौलिक बलों की बात की है, तो मौलिक बलों के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटी फोर्स जो होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल, यह मौलिक बलों में सबसे कमजोर ताकतें होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो हमने डिस्कस किया था अभी कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम भी कहते हैं, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतर घर्षण बल होता है, क्या ठोस में, तरल में, गैस में, या ठोस गैस में, या तरल गैस में। तो देखिए, सॉलिड जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो ठोस और ठोस मिलकर सबसे ज़्यादा घर्षण बल उत्पन्न करते हैं, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया है कि गीले कपड़े को स्पिन ड्रायर में किस क्रिया के द्वारा सुखाया जाता है। देखिए, आपने दो बलों के बारे में सुना होगा, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि केंद्रापरासक बल, और दूसरा होता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब कि अभिकेंद्रीय बल। इन दो बलों के बारे में आपने सुना होगा। तो जो यहाँ पर एक उदाहरण आता है कि अगर कोई इंसान साइकिल चला रहा है राउंड में, तो वह अंदर की ओर झुकता है, तो यह किस बल के कारण होता है, यह होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन जो कपड़े सुखाते हैं वह क्या होता है, इसके विपरीत होता है, मतलब कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, केंद्र परासक बल होता है, तो यह किधर की ओर झुकेगा, या इसका फोर्स किधर की ओर लगेगा, यह लगेगा बाहर की ओर, जिसके कारण कपड़े सूखते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कपड़े सुखाने के लिए एग्जांपल पूछा जाए तो केंद्र परासक बल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसी कालीन को झाड़ते समय हम अचानक उसे झटका देते हैं या उसे डंडे से पीटते हैं, क्यों। यहाँ पर बात की जाए जैसे कि चादर हो गया, या आपने सुना होगा बेड के गद्दे आदि पे को भी डंडे से मार के ही उसकी धूल आदि साफ की जाती है, तो यह किस कारण से होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से समझिएगा इसको, क्यों आएगा यहाँ पर, कि क्या होता है कि विराम की जड़ता धूल को अपनी स्थिति में रखती है, और इसी के साथ में धूल में जो कालीन होता है, इसमें जो छन होते हैं, धूल के कण होते हैं, इनको दूर कर लेती है। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर कि विराम की जड़ता धूल को अपनी स्थिति में रखती है और धूल कालीन के छन से दूर हो जाती है, ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और यह भी एग्जाम्पल ही है। इसमें पूछा गया है कि उड़ते समय पक्षी हवा को धक्का देते हैं, क्या ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बगल में, या पीछे। तो देखिए, उड़ते समय जो पक्षी होते हैं यह हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं, ऊपर से आने वाली हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं, और इसी के साथ साथ वो ऊपर उड़ते चले जाते हैं, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि यदि
किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 600 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा की सतह पर भार कितना होगा? तो देखिए, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर होता है 1/6। अब अगर पृथ्वी पर इसका भार है 600 न्यूटन, तो इसका 1/6 अगर आप कर देते हो तो यह आ जाएगा आपका 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो जो दो आवेशित पिंड होते हैं उनमें लगने वाले बल को कहते हैं विद्युतीय फोर्स, मतलब कि विद्युतीय बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय बल क्या है। तो देखिए, चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, मतलब कि गैर संपर्क बल होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें आपसे पूछा गया है कि चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे की ओर गिरता है। इसका मतलब है कि ट्रेन की गति है, तो ट्रेन कैसी गति में होगी? ट्रेन होगी आपकी त्वरण की गति में या त्वरित गति में। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 23 नंबर का, और इसमें पूछा गया है कि पत्तियां या फल किसके कारण जमीन पर गिरते हैं। देखिए, पत्तियां या फल यह जो होते हैं किसके कारण जमीन पर गिरते हैं? क्या चुंबकीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, विद्युतीय बल के कारण या पेशीय बल के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फल या पत्तियां वृक्ष से नीचे की ओर गिरते हैं। तो यहाँ पे आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रेशर या दबाव। क्या हो जाएगा? प्रेशर या दबाव जो है यह प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात की गई है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रेशर या दबाव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह अपने किनारे की ओर चलता है तो नाव चलेगी, या किनारे से दूर चलेगी या किनारे की ओर चलेगी। देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। मान लीजिए यहाँ कोई नाव है और इस नाव में कोई आदमी जो है यहाँ बीच में से, मतलब सेंटर से इधर किनारे की ओर आ रहा है, यहाँ पे नदी का किनारा है। तो यह जो नाव है इधर से नीचे की तरफ झुकेगी, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो यह नाव इधर से दूर की ओर जाएगी, मतलब कि किनारे से दूर जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कि मूव करेंगी किनारे के किनारे से दूर। ए जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है आपका घर्षण बल है या विद्युतीय बल है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा घर्षण बल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जमीन पर लगती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, यह किसके कारण होता है। तो यह होता है फ्रिक्शन या घर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक एथलीट किसके कारण जीत की रेखा को पार न करने के तुरंत बाद आराम करने के लिए नहीं आता। मतलब जीत की रेखा को जब पार कर जाता है एथलीट, तो यह तुरंत आराम करने के लिए क्यों नहीं आता, आगे बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति की जड़ता कारण, क्योंकि वो लगातार दौड़ते रहता है, उसकी स्पीड बनी हुई रहती है। तो यह क्या होता है? गति की जड़ता के कारण वह तुरंत नहीं रुकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया आपसे कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते समय कभी कभी हम बालों को अलग होने का अनुभव करते हैं, इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो बल जिम्मेदार होता है वो होता है विद्युतीय बल। हमने विद्युतीय बल को अभी पढ़ा था कि यह नॉन कॉन्टेक्ट बल है, तो यह कॉन्टेक्ट से दूर होता है, मतलब दूर करता है। इसीलिए क्या होता है, जो बाल होते हैं यह हमें अलग अलग होते या अलग अलग होते हैं या अलग अलग होते प्रतीत होते, यह होता है हमारे विद्युतीय बल के कारण या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है हमारी पेशी द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो देखिए, पेशी द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं पेशी बल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह हमारे 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो वन लाइनर क्लासेज आपकी आएगी,
उसमें लगभग आपके 3000 क्वेश्चन होंगे। एक क्लास में हम 60 क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे और इसमें आपके पूरे क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और कन्फर्म बता रहा हूँ इसके बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो वो क्लासेज भी आप जरूर से बात कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन ऑन करके रख दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बात करें टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF आदि वहीं पर मिल जाया करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।